हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से। तो सारा काम मेरा निपट गया है आज, और रूह भी सो गई है, बाकी रुदू उठा हुआ है अभी। तो आज थोड़ा सा मन उदास सा हो गया है, और वो इसलिए हुआ कि आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ 2-3 दिनों में वीडियोस आ रही हैं गांव की, जो कि घनसाली गांव के तिनगढ़ गांव की हैं। तो काफ़ी बुरा फील हो रहा है वहां को देख के कि पूरा का पूरा गांव ना एक सेकंड में ही मतलब तबाह हो गया, लोगों के घर बिखर गए। कैसे रो रहे बिलखते जा रहे बेचारे। काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में हैं, यूट्यूब में हैं। तो मैं उन्हीं को देख रही थी, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अपना घर वो बेचारे छोड़ रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, है ना। तो वही मैं देख रही थी अभी, तो काफ़ी बुरा फील हो रहा है। और भगवान ना करे ये किसी के साथ हो, बट कहीं भी हो सकता है। आजकल जब से रोड वगैरह कटी हैं तो फिर पहाड़ धस सकते हैं और गांव के गांव पूरे बह जाते हैं। तो ये सारा का सारा कुछ मतलब सुविधाएं भी हैं, बट कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है। तो पहले ऐसी कोई खबरें नहीं सुनाई देती थी, बादल नहीं फटते थे। मम्मी लोग बताते हैं कि ऐसे पहले कभी इतने सालों में नहीं हुआ कि कहीं से न्यूज़ आई होगी कि बादल फट गए या जो भी पहाड़ धसका या पूरे गांव बह गए, ऐसा वैसा जो भी है, या बाढ़ आई। पहले कभी मम्मी लोगों ने सुनाई नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब होने जा रही हैं, क्योंकि जितनी सुविधाएं हो रही हैं उतना ही नुकसान हो रहा है। तो एक वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि कितना नुकसान हुआ होगा बेचारे गांव वालों का। और बहुत ही टफ़ टाइम है उनके लिए, अपने पुरखों का घर छोड़ना, ज़मीन जायदाद छोड़ना। तो वैसे तो चलो बेचारे कहीं ना कहीं तो अपना घर बसा ही लेंगे, पर जो उनका अपना घर है, अपनी पुश्तैनी जो चीज़ें हैं, सबके सब तो नहीं लेके जा सकते हो अपने अपने साथ ना, तो यादें ही रह जाती हैं। तो काफ़ी बुरा फील हो रहा है उन्हें देख के। तो भगवान भोलेनाथ इस सावन तो उनकी रक्षा करें, और ऐसा होना नहीं चाहिए थे, बट क्या करें, हो ही गया है अब। तो चलो थोड़ा बहुत मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा गांव वो तहस नहस हो गया है। तो काफ़ी बुरा लग रहा है आज देख के। हमने तो पहली बार सुना है कि तिनगढ़ भी कोई गांव है, घनसाली तो सुना था, बट बुरा तो लगता ही ना अपने यूके वालों के लिए। वैसे जब भी ऐसी न्यूज़ आती है सबके लिए बुरा लगता है, बट अपने उधर की ही हैं तो और भी बुरा लग रहा है। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, तो भोलेनाथ जी रक्षा करें उनकी, और जल्द से जल्द गवर्नमेंट को भी उनके लिए कुछ स्टैंड लेना चाहिए, ताकि उन बेचारों को जो बेघर हो गए हैं उनको घर मिले, या ज़मीनें जो जितना भी हो सकता है उन लोगों को सब कुछ मिले। तो बस ऐसे ही आज थोड़ा सा देख के मन बहुत उदास हो गया है कि जब टीरी डूबी होगी तो कितने लोगों पे बीती होगी। तो वही एक टाइम आज फिर आ गया है कि वो लोग भी सेम मतलब उसी सिचुएशन में आ गए हैं, जो अपना घर छोड़ रहे हैं। तो खाना पीना खा के मैं लेट गई थी, और अभी मैं सारे कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही हूँ। तो कपड़े जितने मैंने धोए थे, तो यही काम होते हैं हम लेडीज़ों के सबसे पहले, तो उठने के बाद भी चैन नहीं है और काम तो करने ही हैं। और ये देखिए टाइम हो रहा है अभी 5:40 हो रहे हैं शाम के, और बिश जी ना अभी आए नहीं हैं, तो मैं उनका ही वेट कर रही थी। बाकी ये रही रूह, तो रूह खा रही है यहाँ पे भुट्टा, और वो कच्चा भुट्टा है, मैंने कल भुट्टे लिए थे, तो रूह ही भी आनंद ले रही है भुट्टे का। और अभी मैं थोड़ा सा रूह को घुमाने ले जा रही हूँ, चीकू तो सो रखा है, तो मैंने रूह को बिल्कुल तैयार कर दिया है। और ये देखो वो भी बिल्कुल तैयार है, उसे पता चल जाता है कि मुझे घूमने जाना है शाम को, तो उसके फेस पे स्माइल पहले ही आ जाती है। तो चलो जी मैं रूही को थोड़ा सा घुमा के लाती हूँ, और फिर मैं जल्दी अंदर आऊँगी, क्योंकि रुद्दू सो रखा है तो वो चिल्लाएगा वरना। तो फटाफट से रूही को 1-2 राउंड घुमा देती हूँ, बेचारी रूही अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। और आज दिन में बारिश हुई, तो मैंने 1-2 कपड़े वगैरह अपने अंदर पे जो तार लगा रखी है वहीं पे डाल दिए। बाकी मौसम देखो, और हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही है, गर्म उतना ही हो रहा है। अभी बादल तो लगे हैं बट बारिश नहीं हो रही है उस तरीके की कि मौसम अच्छा हो जाए। बाकी सिम्बा को लग रही है काफ़ी गर्मी, तो वो बेचारा भी गर्म से बुरे हाल है उसके। ये लोई तो छो नहीं रही है, अपनी मम्मा को पहचान कर ली है।
इसको चाहिए दिन भर कोई मेरे साथ लेटा रहे, कुछ काम धाम ना करे। तो रोज मैं काम नहीं करूँगी बाबू। और दोस्तों आज ना बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ बारिश का, क्योंकि गर्म तो वैसे ही हो रहा है आज। और अभी हम लोग सो रखे हैं कूलर में, और रुद्दू ना मस्त भुट्टे खा रहा है, मैंने भुट्टे उबाले थे तो वो खा रहा है, और मैं नहीं खा रही क्योंकि वैसे मांगेगी फिर रूही। रुद्दू हाय करो। हाय हाय बोलो, आ जाओ गाइस, भुट्टा खा लो गाइस। अच्छा थ्री बोलो, थ्री थ्री बोलो, नहीं बोलना थ्री, नहीं बोलना। हाय हाय अच्छा ठीक है, चलो बाय करो। बाय गाइस, बाय गाइस। बच्चों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता, और 8 बज गए हैं और खाना पीना बनाने का टाइम भी हो गया है। बाकी बिस्सी जा रखे हैं दूध दूध लेने, वो तो आराम से घूम फिर के आते हैं। और आज देखती हूँ खाने में क्या बना रही हूँ, पहले आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आज ना मैं पनीर बनाऊँगी, और ये पनीर है और बिल्कुल फ्रेश पनीर है ये देखो। और इसमें ये 2 टमाटर और 1 प्याज काफ़ी है हम दोनों के लिए। तो ये पनीर ना मैंने घर पे बनाया, तो दूध फट गया था तो इसलिए मैंने घर पे पनीर बना दिया, और काफ़ी अच्छा पनीर बनाया है मैंने आज, और काफ़ी टेस्टी भी हो रहा है। मैंने पहले ही खा लिया, दूध फट गया था। तो चलो फटाफट से पहले ये सब चीज़ मैं कट कर देती हूँ, और आज बाकी बनेगी खाने में खीर। तो ये मेरी दीदी ने घर के चावल दिए थे मुझे, तो मैं इसकी आज खीर बनाऊँगी। बाकी मैंने इसे कल रात से भिगा रखा है, तो मस्त से खीर बनाएंगे। और ये देखिए, ये इसमें छिलके भी हैं धान के, काफ़ी छिलके हैं, तो ये भी निकल जाएंगे जब मैं पानी साफ़ करूँगी। तो चलो फटाफट से पहले बनाते हैं, ओह सॉरी, पहले सब चीज़ की कटिंग कर लेते हैं। तो किस किस को पसंद है कि कुछ भी सामान फेंके ना, और कुछ भी वेस्ट ना हो, और कौन कौन मेरी तरह ट्राई करता रहता है न्यू, तो मैंने आज जो पनीर बनाई ना बहुत अच्छी लग रही है मुझे, और मुझे खुशी हुई कि हमारा 100 रुपये का दूध बर्बाद नहीं जा रहा है। और ये मैडम तो बनाने नहीं दे रही है मुझे पनीर आज। और टाइम ना 8:30 हो गया है, और 8 बजे से मैं किचन में गई, बट कुछ नहीं करा मैंने अभी भी। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और खेलना कम और शैतानियाँ ज़्यादा। और मैडम जी को क्या हो रहा, कूल वाली है। तो चलो थोड़ा सा मैं रूही को देखती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। मिस्ट जी अभी आए देहरादून से, और मेरे लिए लाए रास्ते से मोमोज, और मुझे ना मोमोज बहुत पसंद है, और इस टाइम मैंने काफ़ी मोमोज खा लिए, और आजकल ना मैं फ्राइड मोमोज खा रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, सो यम्मी, तो मुझे बहुत पसंद है। और ये रेड चटनी, वैसे चटनी मैं कम खाती हूँ, बट मोमोज मुझे यही पसंद है। तो चलो फटाफट से मैं पहले मोमोज फिनिश करती हूँ। तो ये देखिए पनीर कितनी अच्छी सी बन रखी है, और काफ़ी सॉफ्ट पीस में आ रखी है पनीर। और ये मैंने हरी मिर्च और प्याज और टमाटर को चॉप कर दिया है। बाकी दिन में मैं कह रही थी ना मैंने भुट्टे उबाले, तो अब कुछ ही भुट्टे रह रखे हैं, ये मैं बिस्ट्री के लिए रख रही हूँ, वरना रुद्दू तो पूरे ही चपट कर देगा। और अभी रख दी है मैंने गैस में, कढ़ाई रख दी है, तो कढ़ाई भी होगी है गरम, और रुई थोड़ा खेल रही है अभी, तो तब तक मैं छौंक देती हूँ सब्जी को, और बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैं बनाती हूँ। तो चलिए जी फटाफट से छौंकते हैं सब्जी को। पहले तक मैं सब्जी बनाने जा रही थी, और सब्जी वाले अंकल आए, तो ये ली मैंने कुछ सब्जी। और आज ना मैंने एक अच्छी चीज़ ली है, आप लोग को बताती हूँ। तो काफ़ी दिन से मुझे धनिया मिला, और मैंने गड्डी ही ले ली पूरी एक, तो ये रहा धनिया, अभी मुझे इसको साफ करना है। और बाकी ये लिया मैंने गोभी, तो गोभी ना आजकल हाई फाई हो रही है, वैसे तो टमाटर भी हाई फाई हो रहे हैं, बट गोभी भी हो रही है, तो गोभी ली मैंने और खीरे लिए। तो चलो पहले बनाती हूँ सब्जी, उसके बाद ना मेरे रुद्दू को बहुत पसंद है खीरे खाना, तो मैं रुद्दू और रूही को दूंगी खीरे, क्योंकि उन दोनों के लिए अगर मैं नमक लगा दूँ तो थोड़ा थोड़ा रूही भी उसको देख के ना खा लेती है। तो चलो फटाफट से पहले मैं सब्जी बना देती हूँ। ये पनीर भी बिल्कुल तैयार है बनके, और ज़्यादा
मैं इसे पतला नहीं करूंगी क्योंकि हम दोनों के लिए काफ़ी है। तो अब इसमें डाल देती हूँ मैं हरा धनिया। और धनिया ना अंकल अच्छे टाइम पे लाए तो मुझे थी धनिया की ज़रूरत। तो सब्जी भी रेडी है। बाकी इसमें मैं बना रही हूँ खीर। तो बिजी दूध लेके आएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा पानी डाला है उसमें। तो चलिए जी सब्जी हो गई है तैयार। और बाकी ये रहे रुद्धू के लिए खीरे और ये मैंने रूही के लिए बहुत छोटा सा एक स्लाइस काट रखा है, बिल्कुल सॉफ्ट जो बीज का होता है। तो चलो मैं बच्चों को पहले खीरे लेके आती हूँ बाहर। गए हो तो रूही यहाँ फंस गई है और वो चल रही होगी तो सोफे के नीचे गूंज के जल गई और अब वहाँ से निकल नहीं पा रही। बाकी भाई साहब को देखो उनका अलग ही चल रहा है और अपनी गाड़ी में बैठे हैं। लोग सीधी गाड़ी में बैठते हैं, उल्टी गाड़ी में बैठता है। और ये देखिए दोस्तों इसने भुट्टे तो खाए पर यहाँ फेंके। चलो फटाफट से मैं रूह को निकालती हूँ पहले। तो मेरा भुक्कड़ भी खा रहा है खीरा और वैसे हम उसे देते नहीं हैं अभी से क्योंकि अभी वो सिर्फ 6 मंथ की कंप्लीट हुई है। बट वो ना रुद्धू को देखती रहती है कि मेरा भैया क्या खा रहा है और ये लोग मुझे नहीं दे रहे। तो ये देखो और ना गले लगा देगी। नहीं 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 बच्चा छोड़ो 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 छोड़ो, इसीलिए नहीं देते। तो आज मैंने खाने में बनाई है घर के चावलों की खीर बनाई है पतीले में और बाकी बनी है आज पनीर की सब्जी। तो ये देखो काफ़ी अच्छी लग रही है ना देखने में, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैंने घर में बनाई और शायद ही पहली बार मैंने इतना अच्छा पनीर बनाया है घर में। तो चले जी हम लोगों ने फटाफट से खाना खा लिया है और अब मैं किचन क्लीन कर देती हूँ पूरा क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और मुझे 11:30 तो बच ही जाते हैं रोज़, चाहे मैं कितना भी फास्ट काम करूँ तो हो ही जाता है थोड़ा बच्चों के साथ मेरा काम धाम। तो बर्तन भी मेरे काफ़ी हो जाते हैं तो मैं रात में ही धुलती हूँ बर्तन, मेरी आदत नहीं है कि सिंक पर रखना। तो जितना भी थोड़ा बहुत खाना वगैरह बचा रहता है मैं सब एक तरफ रखती हूँ, फ्रिज में बाउल में रख देती हूँ मैं। तो ये देखिए मैं सब काम निपटा देती हूँ अभी और बाकी जितना भी बचा हुआ है उनको रख देती हूँ मैं बाउल में। तो ये देखिए इतनी हमारी सब्जी फिर भी बच गई है और खीर भी काफ़ी बच गई है, बीज जी ने नहीं खाया। तो ये अब आएगा मेरे सुबह के काम आएगा ये। बाकी किचन मैंने थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया और ये वाले बर्तन ना आज बीज जी ने धोए, पता नहीं क्यों उनको अच्छा लग रहा था आज बर्तन धोना तो थोड़े बहुत बर्तन मेरे लिए बचा रखे हैं अब। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलती हूँ किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।